सो क्या हुआ तो सडनली मैंने एक पोस्ट डाल दिया फेसबुक ग्रुप में और वहां लोगों ने देखा कि इतना ज्यादा कन्वर्जन कैसे हो रहा है मेरा। और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी कि कैसे आपका इतना ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है, क्या हो रहा है, आप कैसे लैंडिंग पेज बना रहे हो। तो मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन थे वो ये थे कि आप लैंडिंग पेज कैसे बना रहे हो, कैसे आप क्रिएट कर रहे हो लैंडिंग पेज। तो गाइज उसके रिकॉर्डिंग में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और गाइज ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको काफी चीजों सिखाऊंगा, काफी चीजें आपको मैं इसमें सिखाऊंगा जो आपको करनी चाहिए अपने लैंडिंग पेज में, सीपीए लैंडिंग पेज में। तो इस वीडियो में बने रहना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाओ और गाइज इस वीडियो को लाइक जरूर करो क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाने को मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। तो आज का जो वीडियो है हाउ टू मेक अ वेरी हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज फॉर सीपीए मार्केटिंग। यस गाइज तो ये वीडियो काफी ज्यादा खास है अगर आप सीपीए मार्केटिंग करना चाहते हो। तो उससे पहले मैं बता दूं गाइज कि मैं बहुत सारी चीजें फ्री में दे रहा हूँ सीपीए मार्केटिंग करने के लिए। उस चीज को समझने के लिए, जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। दैट इज कॉल्ड सीक्रेट हिडन सीपीए मार्केटिंग। यहाँ मैं पूरे फ्री के कोर्सेज दे रहा हूँ सीपीए मार्केटिंग का। तो आप इस वीडियो को पूरा आपको देखना है लास्ट तक और काफी अच्छी अच्छी चीजें आपको जानने मिलेंगे इस वीडियो में मार्केटिंग में। तो लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे आपको फ्री में काफी सारी चीजें दे रहा हूँ फॉर सीपीए मार्केटिंग और कैसे आप फ्री ट्रैफिक से काफी अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। सो लेट्स गो ऑन द मेन पॉइंट। सो गाइस ऐसा कुछ मैं लैंडिंग पेज बनाता हूँ, यहाँ आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ देखो, जब भी आप कोई भी लैंडिंग पेज बनाओगे तो उसमें ये तीन चीज का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या तीन चीज का। सो गाइज ये जो तीन चीज है दैट इज कॉल्ड डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म एंड कंडीशन, टर्म ऑफ कंडीशन या टर्म ऑफ यूज या टर्म ऑफ सर्विस, ठीक है। तो ये तीन चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और नीचे आपका थोड़ा सा डिस्क्लेमर होना चाहिए आगे ऊपर में लिखा हुआ, ठीक है। और ये जो यस का बटन है, यस रहेगा और ये नो रहेगा। तो कैसे मैं ये चीज को क्रिएट किया वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो जिस सॉफ्टवेयर का मैं यूज कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड बिल्डर, यहाँ सब सारी चीजें मिल जाती है, प्रोफेशनल चीजें मिल जाती है और काफी ईजी से आप अच्छे से अच्छी चीजें बना सकते हो, ठीक है। तो गाइस देखो, सबसे पहले कैची लाइन लिखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। वन आवर वर्क गेट पेड डेली, ठीक है। वन आवर वर्क एंड गेट पेड डेली। देखो गाइस क्या है, हमारा जो माइंड है उसमें, मतलब लोगों का जो माइंडसेट है, मैं वो बोलना चाहता हूँ कि वो ऐसा चाहते हैं कि वो जल्द से ही जल्द कुछ कमा ले। तो गाइस एक कैची लाइन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर में। तो वही चीज मैंने किया है, वन आवर वर्क एंड गेट पेड डेली। तो अब कोई भी हमारी लैंडिंग पेज पे आता है तो 100% चांस यही है कि वो नीचे जाके कुछ ना कुछ क्लिक करने वाला है। बिकॉज वो पहले लाइन से ही, वो जो सिस्टम है पहले मेरे लाइन का जो आप सामने देख रहे हो, उस चीज पे वो कैच हो चुका है। तो 100% चांस, मतलब 100% नहीं बोलूंगा लेकिन 90% चांस ये है कि वो नीचे जाएगा और आगे की चीजें पढ़ेगा। तो पहला जो लाइन है वो बहुत ज्यादा कैची होना चाहिए, वो लोगों के दिमाग में तुरंत फिट होना चाहिए और फिर वो आगे उससे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने नीचे क्या लिखा है, डू यू वॉन्ट टू अर्न डेली सम एक्स्ट्रा कैश विद फ्री सर्वे। डू यू वॉन्ट टू अर्न डेली सम एक्स्ट्रा कैश विद फ्री सर्वे, ठीक है। और नीचे मैंने क्या दिया है, यस एंड नो, ठीक है। ये नो का बटन है, आई थिंक ये यस इसलिए है बिकॉज यहाँ मैंने थोड़ी चेंजेस किए। तो ये नो का बटन है, ठीक है। तो ये जो नो का बटन है, तो जैसे यस या नो दोनों में ही मैंने एफिलिएट लिंक लगा के रखी है। अब जैसे ही वो बंदा क्लिक करेगा तो वो उस पेज पे ड्राइव हो जाएगा जिस पेज का ये ऑफर है। और यहाँ पर एक छोटा सा मैंने पिक लगाई है ताकि उसको पता चल सके कि ये क्या चीज का पेज है, ठीक है। तो ये पिक तो आपको पता है कहीं से भी मिल जाएगी। और पीछे थोड़ा सा एक बैकग्राउंड लगाया है कि थोड़ा सा कैची और थोड़ा अच्छा दिखे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ गया और बैनर बैनर पे मैंने क्लिक किया या बॉक्सेस पे, बॉक्सेस पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये जो ब्लू वाला है वो मुझे मिल जाएगा। यहाँ पर देखो ये चीज को मैं ऐसे ही बस ओके करके एक सेकंड दिखा देता हूँ। तो ये जो चीज है इसको बस ऐसे ऐसे फैलाओ और फिट कर दो यहाँ पर बस। और इसको क्या होगा, ऐसे क्लिक करके इसको बैकग्राउंड में भेज सकता हूँ, ठीक है। तो ये काफी अच्छा है, एक चीज करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये चले गया यहाँ बैकग्राउंड में। और अब मैं चाहूँ तो इसका इसका भी कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि इतना मुझे चेंज करना है, मैं ये भी करके दिखाता हूँ आपको। कुछ अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको समझाता हूँ जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा
लैंडिंग पेज बनाने में, क्योंकि दो चीज बहुत जरूरी काम करती है, पहला लैंडिंग पेज, दूसरा फॉलो अप। अगर आपके पास ये दो चीज करने का टेक्निक है, स्किल है, तो आप बहुत ज्यादा कन्वर्जन कर सकते हो, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो पूरे फैक्टर है, पूरा डिपेंड करता है आपके कन्वर्जन पे। तो इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो, आपको ऐसे क्लिक करना होगा और इसके अपियरेंस पे क्लिक करना होगा। अपियरेंस पे जैसे क्लिक करोगे तो पहले कलर का ऑप्शन आएगा, यहाँ देखो इसका कलर का क्या कलर है, तो इसको आप ग्रीन कर दो, तो हाँ सॉलिड दिख रहा है ग्रीन में, तो ग्रीन ले लेते हैं हम, ग्रीन अच्छा दिख रहा है, तो ये ग्रीन हो गया। तो ऐसे करके आप इसको और भी ज्यादा एनिमेट कर सकते हो और काफी अच्छा बना सकते हो, ठीक है? तो काफी सारे तरीके हैं, लेकिन अपना बटन यहाँ जो ग्रीन है, ग्रीन बटन भी है यार, ठीक है? तो इसका आप कलर अलग भी कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन, टोटली डिपेंड ऑन यू। तो ये ऐसा करके आप इसका बना सकते हो। और ये याद रखना कि पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स ऑफ यूज, ये सब रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमेशा जब भी आप ऐड रन करते हो तो ट्राई टू रन ऑन मोबाइल, तो उसके बाद जब आप डेस्कटॉप में बना लेते हो तो आपको मोबाइल सेक्शन में आना है। और यहाँ पर देखो मोबाइल सेक्शन का थोड़ा अलग मैंने बनाया है, क्योंकि जो ऐड रन होगा वो मोबाइल सेक्शन पे रन होगा, ठीक है? 30 मिनट वर्क गेट पेड डेली, ठीक है? 30 मिनट वर्क, 1 आवर बहुत ज्यादा लॉन्ग है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, लोगों के माइंड पे क्या कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ उनके माइंड को कि 30 मिनट वर्क, अरे 30 ही मिनट तो है, तो 30 मिनट में पेड होगा तो वो पक्का जाके चेक करेगा, ज्यादातर चांसेस ये हैं कि वो चेक करेगा नीचे जाके। तो क्या लिखा हूँ मैंने, वही लिखा है सेम, डू यू वॉन्ट टू अर्न डेली सम एक्स्ट्रा कैश विद फ्री सर्वे, यस और नो। जैसे ही वो यस या नो पे क्लिक करेगा वो ट्राफिक पे चले जाएगा। और यहाँ पर भी वही बटन है, इसको आप क्लिक करोगे तो प्राइसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स ऑफ यूज वही खुलेगा, और यहाँ छोटा सा नीचे से डिस्क्रिप्शन। ये तीन चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये तीन चीज आपको कहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ साइड में क्लिक करना है और यहाँ पर जाना है, सॉरी गलत चले गया, यहाँ पर जाना है आपको पेज पे, फिर उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है डिफ़ॉल्ट पे। डिफ़ॉल्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ऐड पेजेस पे क्लिक करना है। ऐड पेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है लीगल का, ठीक है? यहाँ बहुत सारे पेजेस हैं, लेकिन यहाँ लीगल का पेजेस पे क्लिक करना है आपको। और लीगल के पेजेस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है? डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स ऑफ वेबसाइट यूज, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQ, तो ये सारी चीज मिल जाती है आपको। जो यूज करना है आप सीधा क्लिक करोगे और यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करके कर लोगे। उसके बाद आप इसको लिखने के लिए, डिस्क्लेमर को लिखने के लिए प्लस के चिन्ह में जाना है आपको, प्लस का जो निशान है उसमें जाना है, और मेन्यू का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा आपको, मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कोई भी चीज यहाँ से उठा लेनी है, लाइक दिस, देखो यहाँ पर आ गया। इस बटन पे आप जो भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हो, ठीक है? प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर एंड ऑल। तो ये ऐसे करके आपको बनाना है लैंडिंग पेज, बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, ठीक है? मतलब छोटा सा होना चाहिए, ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, देखो इतने में खत्म हो जा रहा है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक लाइन कैची, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन, वो यस या नो पे क्लिक करेगा और वो उस तरफ चले जाएगा आपके ऑफर पे, और उसको ऑफर अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली वो आपके ऑफर को फिल करेगा और आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ऐसे करके आप थोड़ा अट्रैक्टिव लैंडिंग पेज बनाओ, काफी ज्यादा ईजी है, और थोड़ा सा और क्रिएटिविटी अपने दिमाग में लाओ। और कॉपीराइट का जो स्किल है, जो ये चीज है, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट स्किल, ठीक है? कैची वर्ड्स लिखो कि लोग तुरंत जाए उस पर क्लिक करें, ठीक है? ज्यादा हाइप क्रिएट करने की कोशिश मत करना, वरना जो आपका फेसबुक ऐड है वो आपको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है? तो कभी भी ज्यादा हाइप नहीं क्रिएट करना है, और सर्वे जैसा वर्ड यूज नहीं करना है, ठीक है? जैसे मैं यहाँ किया हूँ, आपको ऐसा यूज नहीं करना है एज अ बिगनर। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको यूज नहीं करना है, ठीक है? इफ यू आर बिगनर तो ऐसा कभी भी यूज नहीं करना है आपको सर्वे वर्वे का यूज, क्योंकि वहां आपको फेसबुक अलाउड नहीं करेगा, ठीक है? तो ऐसे करके एकदम इजी सिंपल पेजेस बनते हैं, या जैसे लोग क्लिक करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब ये है कि लोगों को एंगेज करना आपके साथ, ठीक है? क्योंकि बिकॉज लोगों को पसंद है यस या नो का गेम खेलना, तो लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, यस या नो पर क्लिक करेंगे और आपके ऑफर में डायरेक्ट होंगे। तो ऐसे करके आप भी लैंडिंग पेज बना सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी लैंडिंग पेज शो करने के लिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और ये जो बिल्डर है, इसके बारे में जानने के लिए आप नीचे आपको एक वीडियो मिलेगी, उसके बारे में देख सकते हो। 35-36 लाख रुपए आप ईयरली कमा सकते हो सिर्फ एक बिल्डर से, तो प्लीज उसको भी जाके चेक करो। और अगर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो ऑन फेसबुक। आई कैन गिव यू लॉट ऑफ ऑफर्स फॉर एफिलिएट मार्केटिंग एंड यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।